आज मैं आप लोगों को कैलकुलेटर के ऊपर चारों टेबल जो भी हमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी में यूज़ करनी होती है उसको बनाने का प्रोसीजर बताने वाला हूँ। अगर आपको एग्ज़ाम में PVF, PVF, CVF और CVF टेबल मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं मिले तो आप कैलकुलेटर पे 2 सेकंड के अंदर अपनी कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे ये टेबल आप अपने कैलकुलेटर पे जनरेट कर सकते हैं, चारों टेबल बनाने का प्रोसीजर मैंने यहाँ पे लिख दिया है। कोई सी भी टेबल आपको बनानी है, बस आपको कुछ कीज़ जो है वो कुछ खास ऑर्डर में प्रेस करनी है अपने कैलकुलेटर पे और आपको जवाब मिल जाएगा। AF टेबल निकालने के लिए आपके कैलकुलेटर में लेकिन GT का फंक्शन चाहिए, बिना GT के भी हो सकता है, लेकिन मेरी रिकमेंडेशन है कि आप GT वाला कैलकुलेटर यूज़ करें जिसमें GT का ग्रैंड टोटल का बटन होता है। उससे बड़ी आसानी से आप अपनी PVF और CVF टेबल निकाल सकते हैं। अगर आपके कैलकुलेटर में GT का फंक्शन नहीं है तो आपको हर इक्वल के बाद M प्लस जो आपके कैलकुलेटर में की होती है उसको प्रेस करना पड़ेगा, बट GT वाला फंक्शन है तो आपके लिए बेटर है। कैसे आप अपनी टेबल जनरेट करेंगे उसका सीखें। मैंने यहाँ पे जो एग्जांपल लिखा है उसके अंदर मैंने 8% रेट को यूज करके अपनी सारी की सारी टेबल जो है वो जनरेट की है। आपकी परसेंटेज चेंज हो सकती है, कैसे वो चेंज होगा उसके अंदर आप सीखिए कैसे करना है। सबसे पहले अगर आप PVF टेबल जनरेट करना चाहते हैं, PVF की कोई वैल्यू जानना चाहते हैं, तो सबसे पहले 1 पॉइंट आपको 2 कीज प्रेस करनी है। सबसे पहले 1 प्रेस करने अपने कैलकुलेटर पे, फिर पॉइंट, उसके बाद जो भी परसेंटेज आप जानना चाहते हैं उस परसेंटेज को यहां पे यूज करना है। मैंने एग्जांपल 8% लिखा है रखा है, इसलिए 08 प्रेस किया है। अगर आप 7% जानना चाहते हैं तो 07 हो जाएगा, अगर आप 12% जानना चाहते हैं तो यहां पे 1 और यहां पे 2 हो जाएगा। तो आपकी जो भी परसेंटेज जो आप यूज करना चाहते हैं वो परसेंटेज की कीज को प्रेस कीजिए। उसके बाद आप डिवाइड का बटन प्रेस कर दीजिए। डिवाइड का बटन प्रेस करने के बाद आप जितनी बार इक्वल का बटन प्रेस करेंगे उतने ईयर की वैल्यू आपको कैलकुलेटर की स्क्रीन पे नजर आएगी। मींस इसके बाद आप पहली बार अगर इक्वल का बटन प्रेस करते हैं तो आपके सामने जो वैल्यू आएगी वो ईयर 1 की वैल्यू होगी। दोबारा अगर आपने उसी इक्वल को फिर से प्रेस कर दिया तो आपके सामने जो वैल्यू आएगी वो ईयर 2 की वैल्यू होगी। फिर दोबारा से आपने इसी इक्वल को प्रेस कर दिया तो आपके कैलकुलेटर की स्क्रीन पे जो वैल्यू होगी वो ईयर 3 की होगी। फिर ऐसे ईयर 4, ईयर 5, आप जितनी बार इक्वल का बटन प्रेस करते जाएंगे उतने ईयर की वैल्यू आपके कैलकुलेटर की स्क्रीन पे आपको नजर आती रहेगी। फिर दूसरी टेबल हमारे को जब बनानी होती है वो होती है PVAF। PVF टेबल के लिए कुछ भी एडिशन नहीं करना, आपको कुछ भी चेंज नहीं करना, सारा का सारा प्रोसीजर जो आपका है ये सेम है, बट जोन से ईयर की आपको PVF वैल्यू चाहिए। लास्ट में बस आपको GT का बटन एक बार एक्स्ट्रा दबाना है, जो भी वैल्यू अब आपकी स्क्रीन पर नजर आएगी वो उस ईयर की PVAF वैल्यू होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं PVF वैल्यू 5वें साल की जानना चाहता हूं 8% इंटरेस्ट के लिए, तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, 1 प्रेस करूंगा, उसके बाद पॉइंट प्रेस करूंगा, उसके बाद 0 एंड 8। ये रेट आप अपनी मर्जी से कोई भी चेंज कर सकते हैं। फिर डिवाइड सेम, फिर इक्वल 1 फर्स्ट टाइम दबाएंगे तो ईयर 1 की वैल्यू, फिर ईयर 2 की वैल्यू, फिर ईयर 3 की वैल्यू, फिर ईयर 4 की वैल्यू, फिर ईयर 5 की वैल्यू। जितनी बार आप इक्वल दबाएंगे उतने ईयर काउंट होते जाएंगे। जैसे ही आपका डिजायर ईयर आ जाए लास्ट में बस आपको GT का बटन दबाना है। जैसे ही आप GT का बटन दबाएंगे आपकी स्क्रीन पे जो वैल्यू आपको नजर आएगी वो PVAF वैल्यू होगी उस ईयर की। नेक्स्ट CVF। CVF टेबल के अंदर हमारा प्रोसीजर सिमिलर रहेगा। सबसे पहले हम 1 प्रेस करेंगे, उसके बाद पॉइंट प्रेस करेंगे, उसके बाद अपनी डिजायर परसेंटेज प्रेस करेंगे। ध्यान रखना एक चीज़ का, 8% का मतलब 08 होता है। कई बार स्टूडेंट क्या करते हैं 8% के अंदर सिर्फ 8 प्रेस कर देते हैं और 8 प्रेस का मतलब वो 80% बन जाता है। 80% नहीं, 80% की जगह 8% आपको दबाना है, इसलिए 0 एंड 8। 10% होगा तो 10 कर सकते हैं, 11% तो 11 कर सकते हैं, 12% तो 12 कर सकते हैं। उसके बाद आपको डिवाइड की बजाय यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई का बटन प्रेस करना है। उसके बाद जैसे आप फर्स्ट टाइम इक्वल दबाएंगे, एक चीज अच्छे तरह से ध्यान रखना, आपके सामने जो वैल्यू होगी वो ईयर 1 की नहीं बल्कि ईयर 2 की वैल्यू होगी। प्रीवियस इक्वल के अंदर जो वैल्यू आती है वो ईयर 1 की आती है, लेकिन CVF टेबल के अंदर जो फर्स्ट इक्वल से वैल्यू मिलेगी आपको ईयर 2 की वैल्यू होगी। जो ईयर 1 की वैल्यू है वो वैल्यू जो आपने प्रेस की है, ये ईयर 1 की वैल्यू है। जो आपने प्रेस यहाँ पे किया होता है नंबर वो ईयर 1 होता है।
जैसे ही फर्स्ट टाइम इक्वल आप प्रेस करेंगे आपको ईयर टू की वैल्यू स्क्रीन पर नजर आएगी, फिर से इक्वल आपने प्रेस कर दिया तो ईयर थ्री की वैल्यू नजर आएगी, फिर से इक्वल प्रेस कर दिया तो ईयर फोर की वैल्यू, और फिर से इक्वल प्रेस कर दिया तो ईयर फाइव, और इस तरह से जितनी बार आप इक्वल प्रेस करते जाएंगे उतने नेक्स्ट ईयर की वैल्यू आपको नजर आएगी। लास्ट है CVF टेबल। अगर आपको CVF टेबल बनाना है तो उसके अंदर सारा का सारा प्रोसीजर जो CVF में था वो रिपीट होगा। सबसे पहले वन प्रेस करेंगे, फिर पॉइंट प्रेस करेंगे, फिर अपने डिजायर परसेंटेज की कीज प्रेस करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई, और उसके बाद इक्वल। एक चीज नोटिस करना, जब आप CVF टेबल बना रहे होंगे तो फर्स्ट इक्वल प्रेस करने का मतलब ईयर थ्री होगा। इससे पहले वाली टेबल के अंदर फर्स्ट प्रेस का मतलब ईयर टू था, और उससे पहले वाली टेबल में फर्स्ट इक्वल का मतलब ईयर वन था। यहां पर फर्स्ट टाइम जब आप इक्वल प्रेस करेंगे तो आपको ईयर थ्री की वैल्यू मिलेगी, फिर अगली बार फिर इक्वल प्रेस करेंगे तो ईयर फोर, फिर ईयर फाइव, फिर ईयर सिक्स। जितने ईयर की आपको वैल्यू चाहिए उतने ईयर अकॉर्डिंगली आप ऐड करते जाइए, इक्वल टू आप दबाते जाइए। फिलहाल यहाँ पे चार बार मैंने इक्वल दबाया, फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम एंड फोर्थ टाइम। ईयर सिक्स की वैल्यू निकलने वाली है लेकिन अभी नहीं निकलेगी, अभी आपकी स्क्रीन में जो वैल्यू है उसके बाद आपको क्या करना है, अपने कैलकुलेटर से GT का फंक्शन दबाना है, GT का बटन दबाना है। GT का बटन दबाने के बाद उसमें प्लस प्लस आपको करना है, प्लस का आपको बटन प्रेस करना है, उसके बाद डिफॉल्ट आपको टू पॉइंट लिखना है, और टू पॉइंट के बाद जो भी परसेंटेज जिसके लिए आप कैलकुलेशन कर रहे थे वो परसेंटेज फिर से इनपुट डालनी पड़ेगी। लाइक अगर मैंने 8% जानना है तो 08, 9% के लिए अगर टेबल थी तो 09, 10% के लिए टेबल थे तो 10, और उसके बाद फिर आप जैसे ही इक्वल प्रेस करेंगे आपको CVAF की ईयर 6 की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये जो प्रोसीजर है, चारों में से कोई सा भी प्रोसीजर आप एज पर डिजायर, आपको जिस चीज की जरूरत है उस प्रोसीजर को आप फॉलो कर सकते हैं। एग्जाम में मोस्टली टेबल ऑन डिमांड मिल जाती है, बट अगर नहीं मिलती है तो आप थोड़े से ये शॉर्टकट जो है वो याद रख सकते हैं, थोड़े से ये जो प्रोसीजर है उनको फॉलो कर सकते हैं, और किसी भी ईयर की कोई भी वैल्यू आप इससे निकाल सकते हैं। इवन यहाँ पर आप फ्रैक्शन ऑफ इंटरेस्ट भी निकाल सकते हैं। लाइक अगर आपको मैं कहूँ कि मुझे 6.25% इंटरेस्ट जानना है तो आपके स्टार्टिंग पॉइंट जो होंगे वो होगा 1.625%, तो 0.625, ये 6.25% हो गया, और उसके बाद जो भी प्रोसीजर डिवाइड, और उसके बाद इक्वल टू, फर्स्ट टाइम इक्वल टू दबाऊंगा तो ईयर वन की वैल्यू, फिर ईयर टू की वैल्यू, फिर ईयर थ्री की वैल्यू, ईयर फोर की वैल्यू, PVF टेबल मेरी जनरेट हो जाएगी। बस आपको सही तरीके से परसेंटेज को इनपुट करना है अपने कैलकुलेटर में, और जो भी ये चार मैंने तरीके बताए उनको आप फॉलो करके बड़ी आसानी से अपनी टेबल जो है वो कैलकुलेटर पे जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, कंप्लीट है।